अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैमिली कुकिंग चैनल और आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। ये बहुत मज़े की है, आप ट्राई कीजिएगा रेसिपी और ये आप इंजॉय कर सकते हैं अगेन कॉफ़ी के साथ। विंटर का सीज़न है और इस सीज़न में कॉफ़ी और टी जो है वो बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो इसलिए मैं बेकिंग की रेसिपी ज़्यादा लेकर आऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स से। हमें चाहिए 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 लार्ज एग्स, 4 बनानास, 1/2 कप बटर, इट शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर, 1/2 कप रेजन्स, अब अच्छी क्वालिटी की आप लीजिएगा, और 1/2 कप रफली चॉप्ड वॉलनट्स। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर के अंदर हम डालेंगे शुगर, इसको मीडियम हाई स्पीड के ऊपर आपने अभी फ्लेम ऐड करें। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, हम इसको यहाँ पे साइड पे करेंगे। ये जो ऑल पर्पस फ्लावर है इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, सॉल्ट, वनीला एसेंस, और इसको मिक्स करके अब जो ये 4 बनानास हैं, वो विल मैश दीज बनानास। आपने इसको इतनी अच्छी तरह करना है कि ये बेबी फूड की शक्ल का हो जाए। बहुत ज्यादा भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ब्लेंडर में जब हम मिक्स करेंगे वो ब्लेंड हो ही जाएगा इवेंचुअली। अब ये बनानास हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ये शक्ल है जो हमें हमारे बैटर की चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेजन्स, और जो हमने रफली चॉप किए थे वॉलनट्स, आप चाहें तो इसमें आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, कुछ और पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ रेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैन है इसको रेडी करेंगे ओवन में जाने के लिए। इट्स रेडी। आपने इसको 180 सेल्सियस के ऊपर रखना है 50-60 मिनट्स के लिए। आप इसको चेक करते रहें टूथपिक के साथ, जब आपको लगे ये रेडी है तो यू शुड टेक दिस। चेक करें जनाब, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी भी रेडी है तो मैं तो करने लगी हूँ एंजॉय।
आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक देना ना। मैं ये केक खा रही हूँ और मेरा दिल भर ही नहीं रहा, तो आप ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे बताएं फीडबैक में कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।